नमस्कार। हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चुनावी चक्रव्यूह में हम आपको लोकसभा से जुड़ी वो सारी खबरें बताएंगे जो आज सामने आई हैं। चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। नेताओं की पार्टी बदलने से लेकर राजनीतिक बयानबाजी तक का दौर जारी है और ऐसे में रोजाना कई सियासी उलटफेर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरजेडी नेताओं में जुबानी जंग जारी है। आरजेडी नेता मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेताओं पर बयान दे दिया है, जिससे हंगामा मचना शुरू हो चुका है। राजद नेता मीसा भारती ने कहा कि हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं तो उन्हें इस पर तुष्टिकरण नजर आ रहा है। वह जब भी बिहार आते हैं तो हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अगर देश की जनता ने इंडिया अलायंस को मौका दिया तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा नेता तक जेल के अंदर खींच दिए जाएंगे। नहीं नहीं, जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, उनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। और वही आरजेडी प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो बयान दिया उसके बाद वो विवादों में घिर चुकी है। जी हाँ, मीसा भारती के बयान पर भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि विपक्ष के प्रचार का स्तर इतना गिरा जा रहा है कि वे मोदी जी मरेगा की बात कर रहे हैं और कोई नेताओं को जेल भेजने की बात कर रहा है। विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है कि बस्तर लोकसभा में प्रचार करते हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। देश चाहता है कि आतंकवादी मरे, देश चाहता है कि इस देश पर हमला करने वाले मरे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस इस हद तक आया है। और कांग्रेस अगर इसमें आया है तो आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है, तो देखिए देश में लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर जोरों पर है और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार की डोर अपने हाथों में थाम रखी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को ऋषिकेश में चुनावी सभा करने पहुंचे। मंच पर डमरू बजाकर सभा में आई भीड़ का स्वागत किया, गढ़वाली भाषा में भी सभी को प्रणाम किया। ऋषिकेश में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूँ और यहाँ भी वही गूंज है फिर एक बार मोदी सरकार। कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं तो यहां भी वही गूंज है फिर एक बार।
और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को झटका लगने का दौर जारी है। लगभग हर दिन कोई न कोई नेता कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले रोहन गुप्ता ने अब बीजेपी में जाने का खुलासा कर दिया है। पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके थे। भाजपा में शामिल होने के बाद रोहन गुप्ता ने कहा कि कितने विरोधाभास हो सकते हैं। एक संचार प्रभारी है जिनके नाम में राम है। जब सनातन का अपमान हो रहा था तब उन्होंने हमको कहा कि आप चुप रहो। देश के नाम का उपयोग करके एक गठबंधन बनाया गया लेकिन उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ दिया। मैसेज जो पीपल में जो देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है। जो हमारे एक है जो थे कम्युनिटी जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए। देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए। इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। आज देश के सामने आप जाते, आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस ईवीएम के कारण आप दो चुनाव जीते हैं आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे कितने विरोधाभास है। मैं आपको बोले उतने विरोधाभास नाम करने को तैयार हो। हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं वो देश के खिलाफ है। कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब आप? आप सीए की बात कर रहे हैं, वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं। कल एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं हम तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स लगा दे, कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। सो ऐसे इतने एग्जाम्पल के जब तक आपका हर चीज में विरोधाभास रहेगा कैसे देश आप पे भरोसा करेगा। बता दें कि विगत 22 मार्च को रोहन गुप्ता ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी चिट्ठी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को एक और बड़ा झटका लगा है। यहाँ बिजनौर से बसपा सांसद मलुक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मलुक नागर को गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय लोकदल में शामिल किया। वहीं मलुक नागर ने राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने पर कहा कि साल 2006 से मैं बसपा में हूँ, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। 18 साल तक बसपा में कोई और नहीं टिका। बसपा में लोग या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या पार्टी छोड़कर चले ही जाते हैं। करता था और आज के परिवेश में मुझे ऐसा लगा, और खास करके बीएसपी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, 18 साल से 2006 से लेके मैं बीएसपी में हूं, करीब 18 साल होने लगे। राजनीतिक हैसियत, सामाजिक हैसियत और दूसरी हैसियत जो राजनीति में जरूरत पड़ती है
वो कवाल गांव मुजफ्फरनगर में जहां वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था, वो मेरे क्षेत्र में बिजनौर लोकसभा में आता है। राजनीति में जिन चीजों की हैसियत की जरूरत पड़ती है, वो सारी हैसियत के अगर मिलाएं पूरे देश में, जिस दिन से बीएसपी बनी है आज तक, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि 18 साल कोई नहीं रहा। और हम तीनों लोग जो मेरे भाई कई बार विधायक रहे हैं, लखीराम नागर जी मेरी पत्नी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही है, 18 साल तक हम लगातार रहे, नहीं तो बीएसपी में एक डेढ़ योजना में या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं। पिछले दिनों 2022 में पहली बार ऐसा हुआ 39 साल में जब हम एमएलए नहीं लड़े, अब 2024 में एमपी भी नहीं लड़े। और तो और जो स्टार प्रचारक हमारे लोकसभा में दसियों लोग जो हमारे बिल्कुल मिलने को भी ऐसे लगते थे यार सांसद जी के साथ हैं, उनको स्टार प्रचारक बनाया। तो घर में बैठ मैं भी नहीं लड़ रहा कोई बात, घर में बैठ करके देश के लिए काम ना करें तो वो ठीक नहीं था। तो आज के परिवेश में मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में और आरएलडी जो देश में हमेशा किसानों की, मजदूरों की, कमजोरों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ती आई है, तो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के सदस्यता ग्रहण करके और चौधरी जैन जी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की इच्छा थी, मैंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने स्वीकार करी। बता दें कि बीएसपी ने इस बार उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट से सांसद बलूक नागर का टिकट काट दिया था और उनकी जगह मायावती ने चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को बीएसपी का उम्मीदवार बना दिया। अब लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बलूक नागर के बीएसपी छोड़ने की खबरें सामने आई थी, लेकिन बिजनौर से टिकट कटने के बाद उन्होंने अब पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद ही बलूक नागर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां जमकर पसीना बहा रही हैं। इस बीच राजस्थान के रण में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कूद पड़े हैं। बीजेपी से मुकाबले के लिए गांधी परिवार ने मोर्चा संभाल रखा है। पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी पिछली बार राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीती थी, इस बार भी बीजेपी मिशन 25 के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किसी से भी पूछो तो दो सबसे बड़े मुद्दे बताते हैं, बेरोजगारी और महंगाई, लेकिन सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी की शादी। मोदी का चेहरा बनाया जा रहा है, कभी वो समुन्द्र में जाएंगे, कभी थाली बजाते हुए दिखेंगे और कभी मोबाइल फोन की लाइट दिखाने को बोलेंगे। बेरोजगारी, किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे महंगाई, दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे, 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में, सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट बजट दिखाने को बोलेंगे। और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि किसान सड़क पर उतर गए और मीडिया में क्या आता है, आतंकवादी है, बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी,
महंगाई की बात कभी नहीं आएगी, इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग, किसान और गरीबों के मुद्दे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया पर न आए। किसानों का एजिटेशन हुआ, किसान सड़क पे उतर गए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में। और मीडिया में क्या आता है? आतंकवादी हैं। मीडिया में आता है और बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे नेशनल और रीजनल मीडिया पे ना आए। और इनके जो मालिक हैं, इनको करोड़ों रुपए सरकार देती रहती है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ समेत कई दिग्गज चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के कटनी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। पीएम मोदी ने देश से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। इसके बाद आगे अमित शाह ने कहा कि परिवारवादी गठबंधन का उद्देश्य है अपने बेटे, बेटी भतीजे को सत्ता दिलाना। शरद पवार का उद्देश्य है अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव ठाकरे का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। स्टालिन का उद्देश्य है अपनी बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। और बंगाल में ममता दीदी का उद्देश्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। और सोनिया गांधी का उद्देश्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री। पार्टियां आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी को परास्त करने के लिए इकट्ठा हुई है। आज मैं बताना चाहता हूं, ये परिवारवादी गठबंधन, उनका उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र में शरद पवार है, उनका उद्देश्य है अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव ठाकरे का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। तमिलनाडु में स्टालिन का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। बंगाल में ममता दीदी का उद्देश्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। और सोनिया जी का उद्देश्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। अब भाई मुझे बताओ, जो लोग अपने बेटे, बेटे भतीजियां इनके लिए काम कर रहे हैं, वो खजुराहो के युवाओं की सोच सकते हैं क्या? जोर से बोलो, सोच सकते हैं? माताओं की सोच सकते हैं? किसान की सोच सकते हैं? दलित और गरीब की सोच सकते हैं क्या? दलित और गरीब का अगर कोई सोच सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी सोच सकते हैं और कोई नहीं सोच। लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम समेत कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र के ऊपर में लिखा हुआ है कि मोदी की गारंटी, विकसित भारत, विकसित सिक्किम, संकल्प पत्र 2024। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि देश के साथ साथ सिक्किम का भी विकास होगा, यह मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार उत्तर पूर्व राज्य सिक्किम के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। वहीं सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री
उत्तर पूर्व के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका विजन है कि देश के हर कोने से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि बीते 10 सालों में सिक्किम में आए बदलावों को आप खुद देख सकते हैं। दी प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पहली की सरकारें थी, वो सरकारें बिलीव करती थी आइसोलेशन में और इग्नोरेंस में। आइसोलेट रखो इनको और इग्नोर रखो और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाओ। दिस वॉज द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टीज। बट व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड लुक ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पूर्वी भारत, अगर कमजोर रहेगा तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए इस ईस्ट को स्पेशल प्रेफरेंस देना होगा, स्पेशल अटेंशन देना होगा और स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। और ये स्पेशल अटेंशन, स्पेशल फोकस को ध्यान में रखते हुए लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, फास्ट एंड फर्स्ट ईस्ट, इसको उन्होंने अपना मापदंड माना। और आज हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीमिंग हुआ है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। तो इसी के साथ फिलहाल आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चक्रव्यूह में इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात। रखिए अपना ख्याल।